Assalamu alaikum, students of class 1. Uh, today is Monday, and the date is 22nd June 2020. Uh, this is your first lecture of English of this week. Uh, today we will study vowels and consonants. Uh, तो कौन वॉवल्स क्या होते हैं आपको पहले एक बात बता दूँ आपने ए बी सी डी पूरी पढ़ी है जेड तक ठीक है ना अगर हम ए बी सी डी जेड तक लिखते हैं तो उसमें आ, आप मैंने देखें सर्कल्स बनाए हुए हैं आपको ठीक है ए पे बनाया है सर्कल ई e पे बनाया है आई ओ यू तो जिन पे मैंने सर्कल्स बनाए हैं वो क्या हैं वल्स ठीक है ये याद रखिएगा ए आई e, ओ यू ये वॉवल्स हैं ठीक है अच्छा इनके अलावा जो वर्ड्स जो लेटर्स बच गए हैं जो लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स बच गए हैं जैसे बी सी डी एफ जी जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सर्कल वाले लेटर्स के अलावा जो लेटर्स बच गए हैं वो क्या हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं आपने पी पी टू में भी पढ़ाया है ना ये चीज़ वॉवल्स आपकी टीचर ने हैंड बना के लिखवाया था आपके है, फिंगर्स पर ए आई ओ यू ठीक है मेरे साथ बोलिए दोबारा सारे ए ई आई ओ यू आप जब ये बोलेंगे बार बार तो आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएगा ये सारा कुछ ठीक है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी आ, तो अभी जो है वो आपने अपनी कॉपीज़ में इसी तरीके से लिखना है ए से लेके जेड तक फिर आपको वॉवल्स को सर्कल करना है और वॉवल्स को अलग से पेज पर लिखना है ठीक है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन ये आज के लिए आपका होमवर्क है कल फिर हम आपको यूज़ ऑफ ए और एन करवाएँगे ठीक है कल हम आपको यूज़ ऑफ ए और एन करवाएंगे क्योंकि वो वॉवल्स से रिलेटेड है ठीक है वॉवल्स जो लेटर वॉवल्स से जो वर्ड्स जो वर्ड्स वॉवल्स से शुरू होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं ठीक है थीके? तो ये काम आज आपका ये काम है कि आप ए से लेके कर जेड तक लिखें उनमें वॉवल्स को सर्कल करें और वॉवल्स को अलग पेज पे लिखें और कॉन्सनेंट्स को यानी जो वॉवल्स के अलावा जो लेटर बच गए हैं उनको एक अलग पेज पर लिखें ठीक है तो ये आपका आज का काम है मंडे का काम है और बहुत नीट एंड क्लीन आप लोग काम कीजिएगा अपनी कॉपीज़ पे, थैंक यू